बताइए क्या मतलब किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? हम ये चाहते हैं कि इन्होंने जिस तरह से ये डिसीजन देके हमारा एक साल वेस्ट कराया है, ये अपने डिसीजन को वापस लें। या तो इनको ये बात एक साल पहले बोलनी चाहिए थी कि बच्चे एग्जैक्टली कि बच्चे जो हर साल फॉर्म भरते हैं तो वो बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरें, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है। तो हम बस इतना चाहते हैं कि अपना इन्होंने जो 3 साल वाला, भले ही से एज लिमिट वाला उनका सही है, बट ये जो उन्होंने 3 अटेम्प्ट वाली चीज दिया है, इसको वापस लेना चाहिए। किसने दिया? क्या यूजीसी ने? नीट में सीबीएसई ने या सीबीआई ने जो दिया था? छात्र क्यों उल्टन कर रहे थे? ये लड़के सभी मेडिकल के परीक्षार्थी हैं, तैयारी करते हैं। ये नीट की कंबाइंड परीक्षा जो मेडिकल की होती है, उसमें इनको कल पता चला कि इनका एज बाउंडेशन कर दिया गया है और मात्र 3 चांस दिया जा रहा है इनको। तो इनका ये कहना है कि साहब जो हमने पिछला एग्जाम दिया है उसको भी काउंट कर लिया गया हमारे उन 3 चांसों में। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस सारी चीज़ों को लेकर के आज ये लोग सड़क पे आए थे, समझा बुझा करके हटा दिया गया है। अपना ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे तरीके से। क्या लाठी चार्ज? लाठी इनको हटाया गया है? कोई बलपूर्वक हटाया गया है इनको?